श्लोक संख्या 17। तेषां ज्ञाने नित्ययुक्त एक भक्तिर विशिष्यते प्रियो हि ज्ञानिनो अत्यर्थ महं स च मम प्रियः। तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एक भक्तिर विशिष्यते प्रियो हि ज्ञानिनो अत्यर्थ महं स च मम प्रियः। भगवान कहते हैं कि ये जो चार लोग मैंने आपको बताए ना, आर्थ, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी, इनमें से जो परम ज्ञानी है और शुद्ध भक्ति में लगा रहता है वो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि मैं उसे बहुत प्रिय हूँ और इसीलिए वो भी मुझे बहुत प्रिय है। तो भगवान देखो कितने प्यारे हैं। भगवान ने बताया कि चारों बेशक पुण्य आत्मा है, पर जो सबसे ज्यादा मुझे इनमें से प्रिय है वो कौन है? वो ऐसा व्यक्ति है जिसे भक्ति का ज्ञान हो चुका है, जो साधन भक्ति करता है, श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवनम, वंदनम, सक्यम, दास्यम, आत्मनिवेदनम, है ना, ये सारा जो भी श्रवण भक्ति है, भक्ति के समस्त अंगों का अच्छी तरह से पालन करता है, वो तो मुझे बहुत ही प्रिय है। क्यों? क्योंकि कोई भी व्यक्ति पूरा काम धाम छोड़ के, संसार छोड़ के, संसार का मुंह छोड़ करके सिर्फ भक्ति के अंगों का ही 24 घंटे पालन करेगा तो इसका अर्थ ये है ना कि उस व्यक्ति के लिए भगवान बहुत ही प्यारे हैं। उसे भगवान के अलावा कुछ दिखता ही नहीं, नजर आता ही नहीं, भगवान में ही वो पूरी तरह रमण करता है। भगवान को वो समझने लगा है और वो समझने लगा है कि भगवान ही सर्वस्व हैं, यही प्रेम के एकमात्र विषय हैं। वास्तव में प्रेम इस संसार में कहीं नहीं पाया जाता, प्रेम के विषय भगवान हैं, और अगर भगवान ही प्रेम के विषय होंगे तभी प्रेम सार्थक है। वरना इस जगत में यदि प्रेम वृत्ति को निवेशित कर दिया जाए तो वो प्रेम नहीं, काम कहलाती है। प्रेम तो सिर्फ भगवान से हो सकता है और तो किसी से हो नहीं सकता। समस्त अनुभवों के आधार पर वो व्यक्ति भक्ति में प्रेम की महत्ता को समझ जाता है। सारा कुछ उसने संसार देख लिया, व्यवहारिक जगत को देख लिया और देख लिया कि कुछ भी काम नहीं आता, ना अंत समय में और ना जीवन के मध्य में। कहीं किसी से भी आस लगा के चलेंगे निराशा ही हाथ लगती है, और अगर मान लीजिए कोई आपकी आशाओं को पूरा करता ही रहे करता रहे तो भी कब तक करेगा? जब तक है तभी तक तो करेगा, उसके बाद क्या? लेकिन जो भगवान है, है ना, वो ही एकमात्र ऐसे हैं जो प्रेम के विषय हैं और जिनसे अगर कोई आस लगाई जाए तो भगवान उसे पूरी करते हैं, है ना। लेकिन ये जो प्यारा परम ज्ञानी शुद्ध भक्त है, इसकी तो बस एक ही आस होती है, क्या? कि प्रभु आपको मैं कभी भूलूं नहीं, बस मैं आपकी सेवा में सदा रत रहूं। इसके अलावा कोई आस, कोई फरियाद नहीं होती, कुछ नहीं। सकाम कर्मों की व्यर्थता को वो समझ चुका होता है। वास्तव में सब समझने के बाद ही वो इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि भगवान से प्रिय और कोई हो ही नहीं सकता। इसीलिए भगवान कहते हैं कि ये व्यक्ति जो है ना, ऐसा वो तो बहुत ही सर्वश्रेष्ठ है। ऐसा व्यक्ति इसलिए सर्वश्रेष्ठ है क्योंकि मैं उसे अत्यंत प्रिय हूँ, है ना। देखिए, हर इंसान के अंदर प्रियता वास करती है। हम अपनी प्रियता को, प्रेम को किसी न किसी व्यक्ति में निवेशित करने का प्रयास करते हैं, लेकिन फिर वहां से हमें बार बार झटके मिलते हैं, बार बार उदासी मिलती है, बार बार निराशा हाथ लगती है। क्यों? क्योंकि प्रेम को हमें भगवान की तरफ ही निवेशित करना होता है, इसीलिए प्रेम हमारे अंदर भगवान ने डाला है, है ना। लेकिन हम ये बात समझ नहीं पाते। ये बात समझ जाता है ऐसा परम ज्ञानी भक्त, जो भगवान से प्रेम करते करते समझ जाता है कि हाँ, उसका प्रेम बिल्कुल सही जगह पर जा लगा है, है ना। तो उसे भगवान बहुत प्रिय लगते हैं क्योंकि संसार में वो सिर्फ भगवान को ही प्यार करता है, है ना, और किसी से भी इतना प्रेम वो कर ही नहीं सकता। इसीलिए भगवान कहते हैं क्योंकि मैं उसे इतना प्रिय हूँ इसीलिए वो भी मुझे इतना प्रिय है।